जैन बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स में आज आपका टॉपिक है बेटा, और वो है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, ये भी आपको बताना है मुझे। और आपको लिखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है ना। और कैपेसिटर्स पर क्या फ़र्क पड़ता है डाइलेक्ट्रिक का, जो बताना है। अब ये डाइलेक्ट्रिक क्या है, सिंपल से बताता हूँ। डाइलेक्ट्रिक्स आर बेसिकली इंसुलेटर। डायलैक्ट्रिक क्या है सर? डायलैक्ट्रिक आर बेसिकली इंसुलेटर, वास्तुता में क्या है, इंसुलेटर है। बट यदि इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, डायलैक्ट्रिक में क्या होता है, जो चार्ज है वो स्लाइटली शिफ्ट हो जाता है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, समझाते हैं। यदि मेरे पास एक प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, और इसको मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होगा सर? जैसे ही आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, कंडक्टिंग प्लेट थी और ये क्या थी, न्यूट्रल प्लेट थी, क्या होगा इसमें सर? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। सॉरी एक मिनट, मैं कन्फर्म कर लेता हूँ, पहले आपको रफ कर देता हूँ। क्या हो जाएगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव से निकल के कहाँ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव की तरफ जाती है। तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इसका यहाँ पर हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना, यही तो होगा। और एक अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, और इसको हम नाम देते हैं ई इनसाइड। क्या देंगे नाम, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या नाम देंगे, ई इनसाइड। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ बन जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव में, ये किसकी है, कंडक्टिंग प्लेट के लिए होगी। किसके लिए होगा, कंडक्टिंग प्लेट के लिए। अब इसकी जगह पर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक ले लिया, ये इसके अंदर ये डाइलेक्ट्रिक प्लेट है, ठीक है ना। अब डाइलेक्ट्रिक है आपके पास और इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वही है, तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वही है, तो क्या होगा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो है पॉजिटिव यहाँ से होगा, ठीक है, और नेगेटिव इधर होगा। अब डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, इसमें चार्ज का क्या हुआ, सेपरेशन हुआ, जब बाउंड्री पे आ गए, इस बाउंड्री पे आ गए थे, बट यहाँ पर क्या होगा, स्लाइडली शिफ्टिंग होगा, नेगेटिव यहाँ हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से शिफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग हो जाएगी चार्ज की। यानी क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक आर बेसिकली इंसुलेटर, ठीक है ना, बेसिकली क्या है, इंसुलेटर है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ही नहीं है, ठीक है ना। बट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में चार्ज है वो क्या हुआ, स्लाइडली शिफ्टेड फ्रॉम देयर एवरेज इक्विलियम पोजीशन। चार्ज क्या हुआ, शिफ्ट कर गया उनकी कहां से, एवरेज इक्विलियम पोजीशन से, अपनी पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट कर गया, इसे हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। अच्छी समझ में आ गया डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक क्या है, इंसुलेटर है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आने पर चार्ज बाउंड्री बना के थोड़े से शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इसके अंदर ही बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन बहुत कम बनेगी कंपेयर टू इसके, ठीक है ना। चलिए भाई, इतना आपके समझ में आ गया कि डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। अब आते हैं टाइप। बेटा दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, एक तो पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा क्या होगा आपका, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। उससे पहले आपको एक चीज और समझानी है जो एग्जाम में कभी कभी आती है। क्या होता है, अभी तक आपने पढ़ा कैपेसिटर कोई है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यही तो पढ़ा हमने। यदि इस जो प्लेट थी, ये आपकी प्लेट थी दो, एक प्लेट ये है आपकी, एक पॉजिटिव प्लेट थी और दूसरी नेगेटिव प्लेट थी, यही तो थी, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी सर, डी दूरी थी, और यहाँ पर इसकी कैपेसिटेंस कितनी है सर, इसकी कैपेसिटेंस है ए। यदि इनके बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया, क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक भर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है, के, तो के क्या है, के जा डाइलेक्ट्रिक
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के। जैसे ही इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भर देंगे, पहले क्या था एयर, तो अब इसकी न्यू कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, सी न्यू कितनी हो जाएगी, के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी और सब कुछ वही रहेगा। बात समझ में आ गई कि नई कैपेसिटेंस कितनी बढ़ गई, के टाइम्स बढ़ गई। यदि कोई भी आपका कैपेसिटर है उसके बीच में आपने एयर को निकाल के उसके पे क्या रख दिया, डाइलेक्ट्रिक रख दी, डाइलेक्ट्रिक रख दिया, डाइलेक्ट्रिक डालते ही क्या हुआ, कैपेसिटेंस कितनी, जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतने टाइम उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है ना। चलिए आपको यही समझा दिया मैंने। अब मैंने क्या कहा था, डाइलेक्ट्रिक के टाइप, तो डाइलेक्ट्रिक्स के टाइप अभी बताते हैं आपको कि डाइलेक्ट्रिक्स को पोलराइजेशन, आपका नेक्स्ट टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होता है बेटा। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक में आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना, क्या कौन से दो टाइप के होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर और नॉन पोलर। ऐसे आपको समझाता हूँ, सिंपल सी बात है, पोलर और दूसरा क्या होता है मैंने आपको नॉन POLAR नॉन पोलर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझना बेटा, दो टाइप के होगा डायलेक्ट, पोलर डायलेक्ट कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, एक तो पोलर और दूसरा नॉन पोलर, ठीक है। चलिए भाई अब इसमें थोड़ा तो समझने की पोलर में नॉन पोलर में होता क्या है, देखना मैं दोनों के लिख ले रहा हूँ ओवरलैप, समझाऊंगा ओवरलैप, ओवरलैप लिख दिया। अब नॉन यहां लगा है तो एक नॉन यहां लगा दो, बात समझ में आ गई, एक नॉन यहां लगा दो, डायगोनल में नॉन लगा दिए। अब डेफिनेशन बना दो, डेफिनेशन कैसे बनाने की, पोलर डाइलेक्ट्रिक उनको कहते हैं जिसमें कि सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव, सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव दो तरह के होंगे, कुछ पता है आपको, एक नेगेटिव चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो बना था आपको शिफ्टिंग हो रही थी चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास ओवरलैप ना हो, कैसे हो, ओवरलैप ना हो, यानी कैसे, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ओवरलैप कैसे, मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक, जे मेरे पास हाथ आप देख रहे हैं मेरा, जे आपका एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, इतना केवल इतना देखो नेगेटिव चार्ज है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा सर, सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्ज का यहाँ पर होगा, नहीं चल रहा मेरा मार्कर, चलो मैं एक पेन ले लेता हूँ, दिख रहा होगा सेंटर ऑफ मास इसका क्या होगा, पेन भी चलेगा मेरे हाथ पर, ठीक है ना, ना चलो समझाने की बात करता हूँ, मेरे पास ये है एक मार्कर ही बंद हो गया, एक सेकंड मार्कर में थोड़ा इंक डाल देते हैं क्योंकि हाथ चलाने से वो बंद हो गया है, अब सा चल जाए मार्कर हाथ पे, चल गया नहीं चला, चलो ये आपका नेगेटिव चार्ज है और इसी के ऊपर दूसरा पॉजिटिव चार्ज आ जाए, बात समझ में आ गई ना, यदि दोनों एक दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के सेंटर ऑफ मास ओवरलैप कर गए, समझा देता हूँ दोबारा से कि यदि मैं कहूँ कि ये मेरा नेगेटिव चार्ज है, हाथ काला दिख रहा होगा आपको शहर का, तो यहाँ पर आपको मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ मास किसका, नेगेटिव चार्ज का है, ठीक है, और यहाँ पर जो व्हाइट आपको दिख रहा है यहाँ पर जस्ट यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएं इस तरह से, ठीक है ना, कैसे कर जाएं इस तरह से ओवरलैप कर जाएं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं। और इसमें इसमें इसका सेंटर ऑफ मास दिख रहा है और इसका सेंटर ऑफ मास इस तरह से अगल बगल हो, ओवरलैप ना कर पाए, इसका सेंटर ऑफ मास ये है उसका सेंटर ऑफ मास ये है, इस तरह से हो, ठीक है ना, यानी कि ब्लैक अलग और आपका व्हाइट व्हाइट अलग दिख रहे हैं दोनों हाथ, चलो भाई इस तरह से हो तो क्या होगा, इसे हम बोलेंगे आपका नॉन पोलर, बात समझ में आ गई। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक उस डाइलेक्ट्रिक को बोलते हैं जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर नॉट ओवरलैप, पोलर किसे बोलेंगे, आर नॉट ओवरलैप, ठीक है ना, और नॉन पोलर किसे बोलेंगे, नॉन पोलर में क्या होता है सेंटर ऑफ मास ऑफ द नेगेटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज आर ओवरलैप ईच अदर, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे आपका
नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक, नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक में ओवरलैप करता है, ध्यान रखना, नॉन पोलर लैप में, नॉन पोलर में क्या करता है, ओवरलैप करता है, जबकि पोलर डायलैक्ट्रिक में, यदि कहीं पोलर डायलैक्ट्रिक है तो उसमें सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव और नेगेटिव के दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते हैं, इसी का ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए भाई बात समझ में आ गई, पोलर में नॉन ओवरलैप किसका, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास किसका, पॉजिटिव एंड नेगेटिव का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का, ठीक है, नेगेटिव चार्ज का। और इसमें क्या होगा, नॉन पोलर में नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक कौन से होंगे, ओवरलैप किसका, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास किसका, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का। अब तो सीधे समझ में आ गया, सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का, ओवरलैप कर जाए नॉन पोलर, सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज नॉट ओवरलैप करे, आपका क्या होगा लाएगा, पोलर डायलैक्ट्रिक, ठीक है ना। चलो भाई पोलर डायलैक्ट्रिक और नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक में डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं इसके अलावा कि इनका बिहेवियर कैसा होता है, एग्जाम में आपका आता है कि आप इनका डायग्राम बनाइए, पोलर डायलैक्ट्रिक और नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक का बिहेवियर कैसा होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना। चलो भाई मैं इसको खत्म कर देता हूँ, एक तरफ आपको लिखता हूँ पोलर डायलैक्ट्रिक, एक तरफ लिखता हूँ नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक, ठीक है। पहले लिखता हूँ नॉन पोलर, नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक, चलो नॉन पोलर लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं पोलर, पोलर, ठीक है ना। नॉन पोलर जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तब कैसा था, नॉन पोलर याद करो, नॉन पोलर में क्या करना था, नॉन पहले ही आ गया ना, एन ओ एन आ गया, तो अब क्या होगा, ओवरलैप करेगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे थे, नॉन पहले ही आ गया। और यदि हम बात करें यानी कि इसमें क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं कंटिन्यू, सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, जहां पर है उसके जस्ट नीचे आपका पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। जब आप आते हैं पोलर में, तो पोलर में क्या करेगा, ओवरलैप नहीं करेगा, तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, क्या होगा, इस तरह से बिहेव करेगा, यानी कि एक तरफ पॉजिटिव होगा और एक तरफ नेगेटिव होगा, रैंडमली कैसे भी पड़े होंगे, ठीक है ना। चलो मैंने बना दिए, कैसे भी रैंडमली पड़े होंगे, इस तरह से होंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ऐसी होती है, पता है ये कौन सी, यदि सबकी डिस्टेंस बराबर है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है ना। और जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ये माइनस 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 यहाँ होगा और पॉजिटिव 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 यहाँ होगा, तब क्या होगा, अब जो आप देख रहे हैं, जो देख रहे हैं ना, नॉन पोलर कैसा बन जाएगा, देखो इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। और इस तरह क्या हुआ, इस तरह बनने के बाद क्या हुआ, इसमें अपने आप जो, और इस तरह से देखो, और थोड़ा देखना, मैं बनाऊंगा भी, आप बताऊंगा बताना क्या हो गया, एक जो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ आ गया, पॉजिटिव आ गया, ये क्या बन गया, एक डाइपोल की तरह काम करने लगेगा, देखो वही तो हुआ, कैसे काम करने लगा, डाइपोल की तरह बिहेव करने लगेगा सभी का, भाषण में आ गई, देखो इस तरह से कर रहा है काम, यानी कैसे बन गए, नॉन पोलर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के बाद क्या बन गए, एक डाइपोल की तरह बिहेव करने लगे। और यही डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में ही बना हुआ है, सेम टू सेम यही वाला, आप एक बार एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो आपको मिलेगा इसमें, ठीक है ना। चलो और देखो सबका नेगेटिव नेगेटिव इसी तरफ ही है, देख रहे हैं ना, जितने भी बनाऊंगा सबका नेगेटिव कहाँ होगा, पॉजिटिव की तरफ होगा, क्योंकि वो डाइपोल की तरह बिहेव कर रहे हैं, डाइपोल में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो ये नेगेटिव होगा यहाँ पर, पॉजिटिव होगा। अब इसका क्या होगा भाई, पोलर का, चलो इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। अब इसमें क्या होगा, इसमें तो ऑलरेडी अलग अलग थे, इसमें तो कुछ चेंज होना ही नहीं है, इसमें तो ऑलरेडी अलग अलग थे ही, हमें पता ही है, ठीक है ना। तो क्या होगा इसमें, सर इसमें नेगेटिव यहाँ पर होगा
और पॉजिटिव पे कहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से चलती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती है, पता है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो इसमें भी नेगेटिव यहाँ होगा और पॉजिटिव यहाँ होगा, इसमें नेगेटिव यहाँ और पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ। तो इस तरह से बिहेवियर हो जाएगा कि यदि कोई भी डाइपोल यदि एक्सटर्नल, चाहे वो नॉन पोलर हो चाहे वो पोलर हो, ठीक है ना, यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए, तो किस तरह का काम करता है, वो एक डाइपोल की तरह काम कर गया। यहाँ भी डाइपोल दिख रहा बना हुआ, यहाँ भी डाइपोल बन रहा हुआ है। और यदि आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर स्पेशल एक डेंसिटी बन जाएगी, देखो इधर भी एक स्पेशल डेंसिटी बन जाएगी, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी, और इधर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी। बात समझ में आ गई, लेकिन इतना आपको डिटेल में नहीं देखना है, आपको बस एक एग्जाम में आता है कि आपको डायग्राम से समझाइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डाइलेक्ट्रिक को रखने पर, पोलर चाहे या नॉन पोलर रखने पर, कैसा बिहेव करता है। तो सीधा आंसर कैसा बिहेव करता है, एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, और आपको ये डायग्राम बनाना था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, और उसको डेरिवेट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।